हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता विधानसभा के लिए कितनी तैयार है और किसे वोट करने का मन बना रही है, इसके मद्देनजर समालखा में सर्वे किया गया। समालखा विधानसभा में 2,20,000 मतदाता हैं, जिसकी राय जानने की कोशिश की गई तो विधायक रविंद्र मछरोली का नाम सामने आया। 2014 में रविंद्र मछरोली ने चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल कर जनता का भरोसा जीता था और उस समय बीजेपी के शशिकांत कौशिक को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आज की बात की जाए तो रविंद्र मछरोली खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि रविंद्र मछरोली सभी 36 बिरादरी का उम्मीदवार है और सभी ने रविंद्र मछरोली में अपना विश्वास भी जताया है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोहतक रैली में भी समालखा से हजारों की संख्या में रविंद्र मछरोली की अगुवाई में लोग में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि समालखा में सर्वे किया गया है, जिसके मद्देनजर जनता की राय जानने की कोशिश की गई है तो विधायक रविंद्र मछरोली का नाम सामने आया है और 2014 में रविंद्र मछरोली ने चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल की थी और निर्दलीय जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है और लगातार वो जो 36 बिरादरी के लिए जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता लगातार उनके लिए प्रभावित हो रही है। हमारे साथ हैं इस समय संभालका के विधायक जो 2014 के अंदर निर्दलीय जीते थे, जिसके अंदर उनकी अपनी एक छवि थी, लेकिन आज वो बीजेपी में है और बीजेपी जिस तरीके के कार्य कर रही है वो आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या रहता है। लेकिन फिलहाल जो है हमारे साथ जो है यहाँ के विधायक और संभालका में जो लोगों की एक पहचान है रविंद्र मछरोली, विधायक है, विधायक ईमानदारी का तो ये हो क्या रहा है कुछ उसको अलग आपके हिसाब से ये क्या है? ऐसा है, देखो मैं वो विधायक होने के नाते एक व्यापारी भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब पीछे 2014 में चुनाव था, जब भी एक मेरा वो चलाया था कि भाई उसको अभी राजस्थान पुलिस उठा के लेगी, उसको गोवा पुलिस लेगी, ऐसे लेगे, मेरा ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, ना मेरा कोई इस तरह का कोई लेना देना है। मैं उसी बैंक से कारोबार करता हूँ रोज। ये चुनाव के समय विरोधी जो होते हैं ना, ये जो डरे हुए लोग होते हैं, ये इस तरह के काम करते हैं, ये इनका काम है। देखिए ये थे हमारे साथ रविंद्र मछरोली, उनका सीधा सीधा कहना था, हर चीज को हमने बारीकी से पूछा, उन्होंने बारीकी से हमें जवाब दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का वो बिल्कुल तय करेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है, मैं ये भी कहूंगा यहाँ पर इस तरीके के भी एक लोगों का रुझान है कि कुछ लोग जो है बीजेपी में से जाकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इनेलो में चले जाते हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरीके का कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो रविंद्र मछरोली की तरफ है और वो आज भी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, संभालका। तो रविंद्र मछरोली को लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और अभी हमारे साथ विधायक रविंद्र मछरोली खुद फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जी रविंद्र, नमस्कार। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आपका जनाधार काफी ज्यादा है, निर्दलीय 2014 में आपने चुनाव लड़े और उसमें जीत भी हासिल की, तो आपकी बार आपको क्या कुछ समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्या 2019 में फिर रविंद्र मछरोली अपने नाम ये सीट करेंगे, जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे बहन जी। देखो हमने समालखा के अंदर काफी काम कराए हैं, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इतना काम कराया कि समालखा में काफी बड़े बड़े काम भी हुए हैं और लोग बड़े खुश हैं हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे कामों से। तो 2019 में बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? और ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपकी विधानसभा में जो मुद्दे होंगे वो कौन कौन से होंगे? देखो मुद्दे तो हमारे विधानसभा में लगभग तकरीबन पूरे हो चुके हैं, अब आगे थोड़ा शिक्षा का, पढ़ाई का, इसका थोड़ा लेबस, ये साफ सफाई, भ्रष्टाचार का थोड़ा, ये सारा खत्म कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2019 में जनता जनार्दन उतना विश्वास जता पाएगी जितना 2014 में आपके प्रति जताया था? उससे भी ज्यादा जता पाएगी बहन जी, उससे भी ज्यादा जता पाएगी जनता, क्योंकि हमने काम किया है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म कराया है, हमने 36 बरादरी को लेकर काम किया है, गांव में कोई गली चुपाड़े कोई इस तरह का वो नहीं छोड़ा। और फिर क्या है कि हम शुरू से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। हम कई पार्टी से बनते ही जुड़े थे और अभी तक हम जुड़े ही रहे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली इसके बीच में जी, और रहेंगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, तो इसलिए लोगों को भी विश्वास है जी। और
जनता को भी विश्वास है और पार्टी को भी। जी रविंद्र मछोली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता रहे कि समालखा सीट से रविंद्र मछोली जो है वो भी विधायक हैं और कहीं ना कहीं उनका जो जनाधार है वो वाकई हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि लोगों का उनको किस तरीके से समर्थन